पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधव राव सिंधिया की जन्म जयंती के अवसर पर पूरा ग्वालियर महाराजामय नजर आया और हर कोई दिवंगत माधव महाराज की याद में भावुक दिखाई दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच गजब की केमिस्ट्री भी देखने को मिली। देखिए ग्वालियर से एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर में माधव महाराज की याद में भावुक नजर आए नेता। भजन संध्या में सीएम शिवराज सिंधिया और वीडी शर्मा रहे मौजूद। ग्वालियर में सुरों की महफिल, जीवंत हुए माधव महाराज। ग्वालियर नगरी में माधव राव सिंधिया की जन्म जयंती के अवसर पर एक अलग ही माहौल नजर आया। देर शाम भजन संध्या कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, महामंत्री हितानंद शर्मा, जयभान सिंह पवैया भी शामिल हुए और भजनों का आनंद लिया। इस अवसर पर महाआर्यमन सिंधिया और महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी मौजूद रही और स्वर्गीय माधव महाराज की याद में आयोजित भजन संध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम में शिवराज सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए और उसी के साथ भजन संध्या आज आयोजित किया गया है और इसके बाद सिंधिया स्कूल का 125वीं वर्षगांठ ये इस वर्ष में हम मना रहे हैं। तो तानसेन संगीत सम्राट पर एक नृत्य, मुंबई से एक पूर्ण मंडली आई है जो विश्व प्रसिद्ध है, तो तानसेन के मकबरे पे वो प्रस्तुतिकरण सिंधिया स्कूल के द्वारा ग्वालियर शहरवासियों के लिए, आप सब लोगों के लिए वहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो पूर्ण दिवस उनके स्मृति में, चाहे खेलकूद हो, चाहे वन प्राणी हो, चाहे विकास हो, चाहे भजन हो और चाहे ग्वालियर घराना संगीत के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध है उस विषय पर हो, तो पूर्ण दिवस उनके लिए समर्पित है और आप सब लोग भी आए, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर बड़े ही भावुक अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस संध्या में अपने दिवंगत पिता माधव राव सिंधिया के बताए सेवा मार्ग पर चलने के संकल्प दोहराती नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।